नमस्कार दोस्तों, 15 दिसंबर से खरमास यानी मलमास शुरू होने वाला है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। बता दें कि खरमास का समापन अगले साल 2021 में 14 जनवरी को होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम अपनी वीडियो में देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि खरमास की कौन सी तिथि को क्या दान करना चाहिए। इसके अलावा वीडियो के अंत में शुभ कार्य न करने की वजह भी बताएंगे। प्रतिपदा तिथि, घी से भरा चांदी का पात्र दान करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। द्वितीया तिथि, कांसे के पात्र में सोना रखकर दान करने से घर में कभी धन दाने की कमी नहीं होती है। तृतीया तिथि, चने का दान करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि, खारक का दान करने से लाभ प्राप्त होता है और साथ ही गणेश जी की आराधना करें। पंचम तिथि, गुड़ का दान करने से चारों तरफ से मान सम्मान में वृद्धि होती है। षष्ठी तिथि, किसी जरूरतमंद को औषधि का दान देने से रोग विकार दूर होते हैं। सप्तमी तिथि, इस दिन लाल चंदन के दान से बल मिलता है और बुद्धि बढ़ती है। अष्टमी तिथि, इस दिन रक्त चंदन का दान करने से पराक्रम बढ़ता है। नवमी तिथि, इस दिन केसर का दान करें, आपका भाग्योदय होगा। दशमी तिथि, कस्तूरी का दान करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी तिथि, श्री हरि के पूजन के साथ व्रत रखें और वह गोरोचन का दान करने से बुद्धि बढ़ती है। द्वादशी तिथि, शंख का दान करने से धन में वृद्धि होती है तथा धन लाभ मिलता है। त्रयोदशी तिथि, किसी मंदिर में घंटी का दान करने से पारिवारिक सुख मिलता है। चतुर्दशी तिथि, सफेद मोती दान करने से मनोविकार दूर होते हैं। अमावस्या तिथि, आटा दान अवश्य करना चाहिए, इसे सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन रत्न का दान करना चाहिए, इससे जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सूर्य देवता अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि इस दौरान वो रुक जाते तो जनजीवन भी ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुते घोड़े थक जाते हैं और घोड़ों को प्यास लग जाती है। घोड़ों की उस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव को उनकी चिंता हो गई और वो घोड़ों को लेकर एक तालाब के किनारे चले गए ताकि रथ के घोड़ों को पानी पीने को मिल सके। लेकिन उन्हें तभी ये आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही पूरा जनजीवन भी ठहर जाता है। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य ही था कि उस तालाब के किनारे दो खर मौजूद थे। खर गधे को कहा जाता है। भगवान सूर्यदेव की नजर उन गधों पर पड़ती है और वो अपने घोड़ों को पानी पिलाने व विश्राम करने के लिए वहीं तालाब किनारे छोड़ देते हैं और घोड़ों की जगह पर खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। लेकिन खरों के चलने की गति धीमी होने के कारण रथ की गति भी धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह एक मास का चक्र पूरा होता है। उधर तब तक घोड़ों को भी काफी आराम मिल चुका होता है। इस तरह से क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है। कुंडल टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।